What's up? Welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेरे लेविटेटिंग कार्ड ट्रिक का सीक्रेट. लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे एक डेक ऑफ कार्ड्स. डेक ऑफ कार्ड्स किधर रखा था? एक मिनट. ट्रक ऑफ कार्ड्स, राइट? मॉन्स्टर ट्रक. लेट्स सी. अरे ट्रक और कार्ड्स नहीं, डेक ऑफ कार्ड्स. ओ, डेक ऑफ कार्ड्स. किधर गया? ओह, हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल. तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेरे लेविटेटिंग कार्ड ट्रिक का सीक्रेट. लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे एक डेक ऑफ कार्ड्स. डेक ऑफ कार्ड्स किधर रखा था? एक मिनट. ट्रक ऑफ कार्ड्स, राइट? मॉन्स्टर ट्रक. लेट्स सी. अरे ट्रक और कार्ड्स नहीं, डेक ऑफ कार्ड्स. ओ, डेक ऑफ कार्ड्स. किधर गया? ओह, हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल. तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेरे लेविटेटिंग कार्ड ट्रिक का सीक्रेट. तो कैसा लगा आप लोगों को लूप? काफी स्मूथ था, राइट? एंड आई एम श्योर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया. लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा दैट मेजॉरिटी ऑफ माय रील्स आर अ परफेक्ट लूप. वो एक तरीके से मेरा सिग्नेचर स्टाइल बन गया है और लोग अब एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मेरी रील जो है वो एक परफेक्ट लूप होगी. उसका एक और फायदा भी होता है कि आपकी रील जो है या आपकी वीडियोज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं और आप इन अ वेरी सटल वे आप लोगों को पुश करते हैं या फिर इनकरेज करते हैं टू वॉच योर वीडियो अगेन. उनको पता भी नहीं चलता है कि आपका वीडियो ख़त्म हो चुका है और अब वो उसको दोबारा देख रहे हैं. तो इससे ऑब्वियसली आपकी रील को, आपके वीडियो को, आपके पेज को एक बूस्ट मिलता है, आपको फ़ायदा होता है. तो एक वीडियो को या एक रील को एक लूप में बनाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका फ्लो क्या है. तो उसके लिए या तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर एक स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं. अब आप पूछेंगे वो कैसे करते हैं, तो वो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आई हैव पार्टनर्ड विद स्किल शेयर टू कम अप विद अ स्किल शेयर ओरिजिनल क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हैं इनक्रेडिबल वीडियोस और बन सकते हैं एक सोशल मीडिया सक्सेस. तो अगर आप एक डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर हैं या फिर बनना चाहते हैं, देन दिस क्लास इज फॉर यू. Skillshare is an online learning community with thousands of classes taught by industry leaders and experts. So it's for anyone and everyone who wants to learn and grow creatively. And the best part, isme koi bhi ads nahi hai, which means no distractions while learning. Aur inhone sari classes ko chote chote videos mein divide kar diya hai, which means you can consume it at your own pace, at your own convenience. Matlab jab bhi man chaha break liya, kuch cheezon ko try kiya and wapis aake aap class ko attend kar sakte hain. एंड इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 30% ऑफ ऑन द स्किल शेयर मेंबरशिप फॉर द प्राइस ऑफ 1800 रुपीज अ ईयर. दैट इज रफली 150 रुपीज अ मंथ. दैट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है. अगर आप अपनी एक आइसक्रीम या फिर एक कॉफी को सैक्रिफाइस करेंगे तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू नॉट जस्ट माई क्लास बट द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ स्किल शेयर क्लासेस. दैट्स डेफिनेटली अ विन विन. और इतना ही नहीं, दे कीप लॉन्चिंग न्यू प्रीमियम क्लासेस एवरी वीक, सो देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न एंड डिस्कवर. तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे लिंक पे क्लिक करो, क्लास को अटेंड करो और मुझे बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी. आप हमेशा से बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो फाइनली मैंने किया है. इट्स न्यू फॉर मी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं. तो जब आप क्लास अटेंड करेंगे ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं. ऑलराइट, तो चलिए अब आते हैं हमारे परफेक्ट लूप पे. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे मैंने इस फ्लो को डिवाइड किया था. लेट्स डू दैट. तो ये है मेरे वीडियो का बेसिक फ्लो. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्टोरी बोर्ड बनाया है 3 फ्रेम का, क्योंकि मेरे 3 ही शॉट थे. तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने शूट के वक्त क्या ध्यान में रखा या आपको जब परफेक्ट लूप बनाना है तो आपको कैसे शूट करना है. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट शॉट जहाँ पे मैं बैठा हूँ, कैमरे को देख के हाय बोलता हूँ और उसके बाद ओपनिंग लाइंस बोलने के बाद एग्जिट कर जाता हूँ कार्ड्स ढूंढने के लिए. सेकंड शॉट में मैं अपीयर होता हूँ, आउटफिट चेंज है, हुडी पहनी है और हाथ में एक ट्रक है. और थर्ड शॉट में मैंने वापस सेम आउटफिट पहना है फर्स्ट शॉट जैसा. एंटर करता हूँ, रिएक्शन देता हूँ कि हुडी वाला रॉप टेबल के नीचे जा चुका है. क्लोजिंग लाइन बोलता हूँ और यहीं से ये शॉट जो है वो फर्स्ट शॉट के साथ लूप हो जाता है. कैसे? इट्स वेरी सिंपल. शूट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट शॉट और फर्स्ट शॉट को एक साथ जोड़ना है, यानी उन्हें क्लब करना है. वो कुछ इस तरह से, जब आप शूट कर रहे हैं तो आपको आपका लास्ट शॉट पहले शूट करना है. तो लास्ट शॉट से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको फर्स्ट शॉट जो है
वो विदाउट एनी कट शूट करना है लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने जब शूट किया तो मैंने लास्ट शॉट से स्टार्ट किया कि मैं एंटर हुआ, रिएक्शन दिया, क्लोजिंग लाइन बोली एंड देन विदाउट एनी कट मैंने बैठ के अपनी ओपनिंग लाइन्स बोली, यानी कैमरे को हाई किया, ओपनिंग लाइन्स बोली और फिर एग्जिट किया। तो जब भी आप लूप बना रहे हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको लास्ट शॉट और फर्स्ट शॉट को क्लब करना है शूट करते वक्त, और उसके बाद आप अपने सारे इंसर्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा एक ही शॉट था जो मैंने सेपरेटली शूट किया, और जब आपके पास ये फुटेज आ जाएगी तो आप उसको कट करके एक सीमलेस परफेक्ट लूप बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको कंप्यूटर पे मैं फुटेज के साथ समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। लेट्स डू दैट। ऑलराइट, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपने क्लिप्स को एडिट करता हूँ। एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो, लेकिन आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि आप शूट कैसे करते हैं और फिर क्लिप्स को एडिट करके प्लेस कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट और लास्ट क्लिप को क्लब किया था और एक साथ शूट किया था और कैसे मैं उसको कट करूँगा। लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो शॉट्स हैं। ये है मेरा फर्स्ट और लास्ट शॉट जिसको मैंने एक साथ शूट किया, और ये है मेरा सेकंड शॉट जहाँ पे मैं टेबल के नीचे से आया। तो पहले इसको ड्रैग करते हैं। ये हैं हमारे दो शॉट्स एक साथ। जैसे मैंने आपसे कहा, ये मैंने लास्ट वाले शॉट से स्टार्ट किया है। तो ये मैं एंटर हुआ और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कि कोई टेबल के नीचे था, कैमरे को नोटिस किया, और यहाँ से मेरा फर्स्ट शॉट शुरू हो गया। यहाँ पे मैं अपना ओपनिंग लिंक बोलता हूँ या ओपनिंग लाइंस बोलता हूँ, और वो बोलने के बाद मैं फ्रेम को एग्जिट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। राइट, तो अभी हमें क्या करना है, हमें लास्ट और फर्स्ट शॉट के बीच में एक कट पॉइंट ढूंढना है। तो यहाँ पे जहाँ मैंने कैमरे को नोटिस किया, फ्रेम बाय फ्रेम जाके देखते हैं, एक अच्छा पॉज है यहाँ पे, और फिर मेरा हाथ ऊपर जाने लगता है। तो इससे पहले मैं कट पॉइंट ले सकता हूँ। दिस वुड बी अ नाइस प्लेस फॉर अ कट पॉइंट। तो ये आया हमारा कट, देयर यू गो, और इसको थोड़ा मूव कर देंगे। पोजीशन को प्लेस कर देंगे जैसे मैंने आपको स्केच में दिखाया था। तो अभी हमारा फर्स्ट शॉट यहाँ पे आ गया है एज यू कैन सी, और ये आ गया लास्ट शॉट। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे ये वाला शॉट इंसर्ट करना है जहाँ पे मैं नीचे से ऊपर आता हूँ। ये कैन यू सी दैट, और अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे जस्ट लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ, नीचे से आया, और जैसे बाहर गया लास्ट शॉट ये आया अंदर, रिएक्ट किया एंड कैमरे को नोटिस किया। ओके, तो एडिट करके तीनों शॉट्स को हमने प्लेस कर दिया है। अब इसे प्ले करके देखते हैं कि ये कितना सीमलेसली फ्लो करेगा। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे लेविटेटिंग कार्ड ट्रिक का सीक्रेट, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे एक डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स किधर रखा था, एक मिनट। ट्रक ऑफ कार्ड्स, राइट, मॉन्स्टर ट्रक, लेट्स सी। अरे ट्रक और कार्ड्स नहीं, डेक ऑफ कार्ड्स। ओ, डेक ऑफ कार्ड्स किधर गया। ओ हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेरे लेविटेटिंग कार्ड ट्रिक का सीक्रेट, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे एंड परफेक्ट। दैट्स इट, इज दैट सिंपल। मैंने आपसे कहा था कि टेक्निक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और एक बार आपको ये ट्रिक पता चल गई तो आप आसानी से ऐसे परफेक्ट लूप्स बना सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे तो हमने सिंपल बनाया, लेकिन आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा इंट्रिकेट बना सकते हैं। मुझे मज़ा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में जिसमें मल्टीपल एंट्रीज हो, मल्टीपल एग्जिट्स हो, मेरे आउटफिट चेंज होते रहे, पता ही ना लगे कि वीडियो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फ्री है, और ऐसे कूल वीडियोज़ देखने को आपको मिलते रहेंगे। और ये मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, आप लोग मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। रोज स्टोरीज डालता रहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तो फॉलो करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। और लास्टली, मेरी स्किल शेयर की क्लास लाइव है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट अवेल कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, और मुझे बताइए आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं।
That's it for this video. आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी. Till then, like I always say, do good and be good. Peace.